ड्यूटी डॉक्टर और 108 के चालक की लापरवाही से मचा बवाल। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पाटन के शासकीय अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर और 108 के चालक की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। गुरुग्राम पिपरिया निवासी सपना रैकवार रामलाल आकाश ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य टीकाराम रैकवार उम्र 45 वर्ष, जिन्हें सुबह सीने में दर्द हुआ, जिसके लिए उन्होंने 108 को फोन किया। एम्बुलेंस की देरी की वजह से उन्होंने मरीज को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में 108 एम्बुलेंस आ गई। जब तक मरीज को अस्पताल लाए तो वहां पर ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उपस्थित स्टाफ ने मरीज को एक इंजेक्शन लगाया और एक टैबलेट दी। मरीज के परिजन लगातार 108 चालक से जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने की बात कहते रहे, पर अनुमति का हवाला देकर चालक द्वारा मरीज को पाटन शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। टीकाराम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और मांग की कि तत्काल प्रभाव से ड्यूटी डॉक्टर पर और 108 चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हंगामे को देखकर मौके पर नायब तहसीलदार सौरभ जैन और थाना प्रभारी आसिफ इकबाल पहुंचे, जहां मरीज के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर उनको ज्ञापन भी दिया। मरीज के परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि परिवार के सदस्य को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पीवीसी न्यूज के लिए पाटन से दीपक सेन की रिपोर्ट। तो जब एम्बुलेंस वहाँ पेपर से चली थी वहाँ पर, तो उनसे बोला गया था मेडिकल चलो आप, तो बोलने के लगे नहीं पाटन चलो। हम बोलते जा रहे कि हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसके बाद भी कहने लगे नहीं हम मेडिकल नहीं ले जाएंगे, हम पाटन लाएंगे। पाटन आए तो मैडम ना है घूम रही, माँ है घूम रही, कोई इलाज नहीं हो रहा, उनको छुआ नहीं जा रहा है, ऐसी वैसी ज्यादा तड़प रहे हैं, तो कहने लगे इनको हाथ जकड़ के पकड़ो। जब उनको तकलीफ है तो क्या जकड़ लें, वो क्या कर लें, यहाँ पर वो नहीं आ रहा क्या करते हैं, वो इंजेक्शन आया तो ठोक दिया, एक तो गोली दे दी, बस सब हो गया। मतलब अटैक का कुल मिला के यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जानते नहीं है, उसके बाद जलनी है पैसे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।